जीडीवीएचटी मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लास डे नंबर 34 वीडियो नंबर 6 टॉपिक्स है कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि समय संख्या और क्वेश्चन नंबर है 46। ठीक है, तो 46 में जैसे कि कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे दो समीक संख्याओं का गुणनफल का ज्यामितीय निरूपण। जैसे दो समीक संख्याएं हैं, एक जेड वन है और दूसरा जेड टू है, तो जेड वन इंटू जेड टू इक्वल टू होता है मोड ऑफ जेड वन इंटू मोड ऑफ जेड टू। ठीक है, मोड ऑफ जेड वन इंटू मोड ऑफ जेड टू। समीक संख्याओं के गुणनफल का भाग उनके अलग अलग गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि इनका जो अलग अलग गुणनफल है वो आपस में बराबर। दूसरा पॉइंट बनता है, अगर जेड वन बाई जेड टू को डिवाइडिंग फॉर्म में लिया जाए तो ये होगा मोड ऑफ जेड वन बाई मोड ऑफ जेड टू। ठीक है, मोड ऑफ जेड वन एंड मोड ऑफ जेड टू। अब बात आती है कोणांक की, तो कोणांक या आर्गुमेंट मल्टीप्लाइंग वालों का जो कोणांक होता है, जैसे ये जेड वन जेड टू हुआ, जेड वन जेड टू इक्वल टू मोड ऑफ जेड वन एंड मोड ऑफ जेड टू, इनका कोणांक या आर्गुमेंट होगा इसमें थीटा वन प्लस थीटा टू इक्वल टू कोणांक ऑफ जेड वन, जेड वन का कोणांक प्लस कोणांक ऑफ जेड टू। ठीक है, ऐसे ही डिवाइडिंग वाली जो फॉर्म है इसमें कोणांक ऑफ जेड वन यानी कि थीटा वन माइनस थीटा टू, डिवाइडिंग में माइनस में टर्म हो जाता है, तो यह होगा कोणांक ऑफ जेड वन माइनस कोणांक ऑफ जेड टू। ठीक है, कोणांक ऑफ जेड वन बाई जेड टू, इसको कहेंगे कोणांक जेड वन बाई जेड टू, जेड वन बाई जेड टू इक्वल टू थीटा वन माइनस थीटा टू बराबर कोणांक ऑफ जेड वन माइनस कोणांक ऑफ जेड टू। यहाँ पे कह सकते हैं कोणांक जेड वन इंटू जेड टू। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47, जेड वन प्लस जेड टू का मोड लेस देन इक्वल टू होता है मोड ऑफ जेड वन प्लस मोड ऑफ जेड टू। जेड वन प्लस जेड टू का मोड लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ जेड वन प्लस मोड ऑफ जेड टू। जेड वन माइनस जेड टू का मोड ग्रेटर देन इक्वल टू मोड ऑफ जेड वन माइनस मोड ऑफ जेड टू। ठीक है, जेड वन प्लस जेड टू का मोड लेस देन इक्वल टू होता है और माइनस जेड टू का ग्रेटर देन इक्वल टू जेड वन प्लस जेड वन माइनस जेड टू। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर, 48 नंबर है हमारा ये क्वेश्चन बहुत ही आता है, एक्स इक्वल टू कोस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा एंड वाई इक्वल टू कोस बीटा प्लस आई साइन बीटा। मुझको लग रहा है कि जनरल त्रिकोणमिति में भी हो चुका होगा, आई आ गया तो कॉम्प्लेक्सेस में भी हो गया, एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू आई टेन अल्फा माइनस बीटा वाई टू। हो सकता है ये डिमावर फॉर्म में भी आ जाए, कहीं ना कहीं रखा मिल जाए, तो त्रिकोणमिति वैल्यूज है, थोड़ा बहुत आई का यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा इसका यूजिंग नहीं करना है। सॉल्विंग करते हैं तो ये आ जाता है आई टेन अल्फा माइनस बीटा वाई टू। क्या करना होगा, एलसीएम लिया जाएगा एंड एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई वैल्यू पुट करेंगे, कोस अल्फा प्लस का आई साइन अल्फा और वाई का मान बहुत बार आ चुका है एग्जामों में, तो ये तो क्वेश्चन याद ही हो जाता है देखने से। और नीचे भी ऐसे ही कोस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा एंड वाई का मान रख देंगे, वाई का मान कोस बीटा प्लस कोस बीटा प्लस आई साइन बीटा, तो ऊपर वाले टर्म में रियल पार्ट एक साथ कोस अल्फा माइनस कोस बीटा, फिर इमेजिनरी पार्ट से एक साथ साइन अल्फा माइनस का साइन बीटा, यहाँ पे भी कोस अल्फा प्लस कोस बीटा प्लस का आई साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। इसको क्या करते हैं,
चेंजिंग ले लेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे कोस अल्फा माइनस कोस बीटा में कोसी माइनस कोस डी, तो टू साइन कोसी माइनस कोस डी, कोसी प्लस कोस डी तो दोनों कोस होते हैं, कोसी माइनस कोस डी दोनों साइन होते हैं, साइन सी प्लस डी बाई टू, साइन डी माइनस सी बाई टू, ठीक है, हाँ साइन सी प्लस डी बाई टू यानी अल्फा प्लस बी बाई टू एंड साइन बीटा माइनस अल्फा बाई टू हो जाएगा। कोसी अगर सी माने इसको डी माने, कोसी माइनस कोस डी होता है टू साइन सी प्लस डी बाई टू एंड इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू, एंड साइन सी माइनस साइन डी टू साइन सी माइनस डी बाई टू कोस सी प्लस डी बाई टू, कोसी प्लस कोस डी टू कोस सी प्लस डी बाई टू कोस सी माइनस डी बाई टू, ऐसे ही साइन सी प्लस साइन डी टू साइन सी प्लस डी बाई टू कोस सी माइनस डी बाई टू, ठीक है, चेंजिंग कर देंगे। टू साइन यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा करेंगे तो साइन माइनस साइन में आ जाएगा माइनस, यानी कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, माइनस बाहर ले लेता हूँ डायरेक्टली, एंड अल्फा प्लस बीटा बाई टू एंड साइन अल्फा माइनस बीटा बाई टू, ठीक है, यहाँ से माइनस कॉमन निकालना है, साइन माइनस अल्फा माइनस बीटा यानी कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस मैंने बाहर ले लिया, और आई टू साइन अल्फा माइनस बीटा बाई टू कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू, और नीचे जो टर्म है टू कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू प्लस टू आई साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू। तो ऊपर से अगर हम कॉमन निकाल लें, जैसे माइनस है, माइनस वन अगर माना जाए, माइनस वन को हम आई स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस था माइनस वन को आई स्क्वायर लिख सकते हैं, तो कुछ कॉमन ले लेंगे टू साइन अल्फा माइनस बीटा बाई टू, आई भी कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगा, टू साइन अल्फा माइनस बीटा बाई टू इंटू आई द कोस अल्फा प्लस बीटा बाई टू प्लस का आई साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू, और यहाँ पे लेंगे टू कोस अल्फा माइनस बीटा बाई टू, तो यहाँ पे बनेगा कोस अल्फा प्लस बीटा बाई टू प्लस का आई साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू, ये टर्म पूरा पूरा कैंसिल, टू से टू कैंसिल, तो ये आई टेन अल्फा माइनस बीटा बाई टू, आई टेन अल्फा माइनस बीटा बाई टू यही लाना था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार रिपीटिंग होता रहता है, तो इसको जो अच्छे क्वेश्चन है रिपीटिंग होते हैं वो मैं बार बार बताता भी हूँ, तो पॉइंट ये भी आता है कि याद कैसे हो जाते हैं, जो बार बार सामने आएंगे अच्छे होंगे है ना, तो उनका आंसर ऑलरेडी याद हो जाता है। एक बात ये भी है, किसी ने कहा है कि जो कम प्रैक्टिस करते हैं एग्ज़ाम टाइम ही केवल पढ़ते हैं उनको नहीं याद हो पाते हैं, कर भी लेंगे रट भी लेंगे कोई समस्या आ जाती है तो कन्फ्यूजन हो जाता है किसका आंसर कुछ किसका कुछ, तो तैयारी लगातार चलती रहनी चाहिए, बार बार प्रैक्टिस होती रहनी चाहिए। एक बंदे ने हमको ऐसा ही कमेंट किया है, तो टाइम पीरियड गड़बड़ हो जाता है एग्ज़ाम में, आता सब कुछ है सारे क्वेश्चन जानते हैं परंतु वहाँ हो नहीं पाते हैं, इस पे कुछ सजेस्ट करिए क्या करिए, हमारे क्वेश्चन कम रह जाते हैं सब कुछ आते हुए, तो चाह रहा हूँ कि उस पर वीडियो बनाई जाए और थोड़ा सा करीब में हो जाए मामला, वैकेंसी आए थोड़ा सा वीडियो तो बन ही जाएगी, ठीक है, तो ये तो समस्या काफ़ी लोगों की है। जैसे हमारा अब क्वेश्चन पे चले जाते हैं, हमारा क्वेश्चन चल रहा है एंड वन प्लस बी प्लस आई ए ये आ रहा है, ठीक है, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू वन है तो इतने से ये हमको प्रूफिंग करना है, तो दो मेथड हैं इसके, बी प्लस आई ए तो पॉसिबल नहीं होगा, कम ही पॉसिबिलिटी होगी इसको इतना प्रूफ करने की, या मल्टीप्लाइंग कर दें इधर उधर मल्टीप्लाइंग कर दें, और मल्टीप्लाइंग करने के बाद जो कंडीशंस बनेगी, कहीं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहेगा उसको वन रख देंगे, एल एच एस बराबर आर एच एस हो जाएगा, ठीक है, तो वो ज़्यादा सुटेबल है, क्योंकि ये लाना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, आ तो जाएगा उसमें ज़्यादा कुछ टिकड़मबाजी बढ़ानी पड़ेगी, तो ये इस तरह से ज़्यादा सुटेबल है आ सकता है,
वन से मल्टीप्लाइंग कर दें तो बी प्लस आई ए, बी से मल्टीप्लाइंग कर दें बी स्क्वायर प्लस आई ए बी, इससे मल्टीप्लाइंग कर दें आई ए बी माइनस का आई स्क्वायर ए स्क्वायर एंड वन प्लस का बी प्लस का आई ए। तो बी प्लस ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, आई ए प्लस का बी स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू वन प्लस बी प्लस आई ए। तो बी प्लस आई ए प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर इक्वल टू वन प्लस का बी प्लस आई ए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू वन कहाँ है तो रख देते हैं वन प्लस आई ए पर वन इक्वल टू वन प्लस का बी प्लस आई ए, वन प्लस बी प्लस आई ए इक्वल टू वन प्लस बी प्लस आई ए। एल एच एस बराबर आर एच एस आ चुका है, अब ये कम्प्लीटली इक्वल हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन प्रूव किया जा सकता था। नेक्स्ट यानी कि डे नंबर 34, काफ़ी इजी क्वेश्चन इसमें चले हैं, जैसे कि फॉर्मूला बेसिस ही हो तो आगे आएंगे। जो पहले हम इजी कराते हैं, जो इंटर क्लासेस की पहले टाइम में 6 बुकें होती थी उनको लेके कराते हैं, इजी हो जाता है, फिर नेक्स्ट वीडियो में कंपटीशन लेवल आ जाते हैं, तो धीरे धीरे स्टैंडर्ड बढ़ाते चले जाते हैं। ठीक है, तो वो आपने देखा ही होगा वीडियो में कि किसी में कुछ इजी क्वेश्चन है, किसी में टफ है, मतलब आल ऑफ टाइप आना ही आना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे कि अब हम क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। दो सममित संख्याएं जेड वन बे जेड टू हैं, जेड वन बे जेड टू दो सममित संख्याएं हैं, टू कॉम्प्लेक्स नंबर, तो प्रूफ करना है मोड ऑफ जेड वन प्लस जेड टू का स्क्वायर, जेड वन माइनस जेड टू का स्क्वायर, जेड वन प्लस जेड टू का स्क्वायर प्लस जेड वन माइनस जेड टू का स्क्वायर इक्वल टू टू मोड ऑफ जेड वन स्क्वायर प्लस टू मोड ऑफ जेड टू का स्क्वायर। ठीक है, टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इसको मान लेते हैं जेड वन इक्वल टू एक्स वन प्लस आई वाई वन एंड जेड टू इक्वल टू एक्स टू प्लस आई वाई टू। तो जेड वन प्लस जेड टू हो जाएगा एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस का आई वाई वन प्लस वाई टू, ऐसे ही जेड वन माइनस जेड टू हो जाएगा एक्स वन माइनस एक्स टू प्लस का आई वाई वन माइनस वाई टू। अगर हम बात करते हैं जेड वन प्लस जेड टू के मोड की, तो अंडर रूट एक्स वन प्लस एक्स टू का होल ऑफ स्क्वायर प्लस वाई वन प्लस वाई टू का होल ऑफ स्क्वायर। अगर बात करते हैं जेड वन माइनस जेड टू के मोड की, तो अंडर रूट एक्स वन माइनस एक्स टू का होल ऑफ स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होल ऑफ स्क्वायर। अगर एल एच एस लिया जाए, इसका स्क्वायर लिया जाए एल एच एस, जेड वन प्लस जेड टू का स्क्वायर प्लस जेड वन माइनस जेड टू का मोड का स्क्वायर, अंडर रूट हट जाएगा एक्स वन प्लस एक्स टू का होल ऑफ स्क्वायर प्लस वाई वन प्लस वाई टू का होल ऑफ स्क्वायर प्लस एक्स वन माइनस एक्स टू का होल ऑफ स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होल ऑफ स्क्वायर। ये एल एच एस में आएगा, इसको स्क्वायरिंग करेंगे यानी टू एक्स वन एक्स टू आएगा, यहाँ पे माइनस का टू एक्स वन एक्स टू आएगा, ऐसे यहाँ प्लस आएगा वहाँ माइनस आएंगे, कैंसिल हो जाना है। तो कुल मिला के एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर, यहाँ एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर, तो दो दो हो जाएंगे, यानी कि टू एक्स वन स्क्वायर प्लस टू एक्स टू स्क्वायर, ऐसे ही टू वाई वन स्क्वायर प्लस का टू वाई टू स्क्वायर, इस तरह से आएगा। ठीक है, तो मान लीजिए ये हमारा आ रहा है टू एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर, ये वाई वन लेते हैं एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर, टू एक्स टू स्क्वायर प्लस वाई टू स्क्वायर। अगर जेड वन का मोड करें तो अंडर रूट एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर आएगा, अंडर रूट में आएगा, अगर स्क्वायरिंग कर दें तो रूट हट जाएगा, यानी कि टू जेड वन का स्क्वायर आज ये हो जाएगा टू जेड टू के मोड का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कंडीशन यानी कि इसको लेके चले ये आ गया। ठीक है, और नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियोस में।